Hello, my dear students. I hope you all are doing good. Yesterday we have started the GK's first chapter, that is Introduction to Yoga Philosophy. So today I will teach you the remaining part of this chapter. So without any further delay, let's get started. The Guru is no ordinary teacher. He is someone who is highly respected in society, who has studied the sacred texts and is spiritually closer to enlightenment than the rest of the community. तो गुरु जो हैं वो एक ऑर्डनरी टीचर नहीं होते हैं, वो वैसे होते हैं जो कि हाईली रिस्पेक्टेड होते हैं सोसाइटी पर, और उन्होंने जो है वो काफ़ी सारे सेक्रेट टेस्ट, जो कि कनेक्टेड विद गॉड होता है, सेक्रेट का मतलब वो उन्होंने वो बुक बहुत सारा पढ़ा हुआ रहता है, एंड स्पिरिचुअली क्लोजर टू इनलाइटमेंट दैन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, और बाकी सारे कम्युनिटी के लोगों से वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं गॉड से. He takes responsibility to teach all important subjects to the worthy student. और वो खुद से responsibility लेते हैं कि वो सारी अच्छी बातें जो है सारे subject की वो अपने worthy student, loyal student को वो समझाएंगे. But most importantly, teaches the disciple how to walk onto the path of spirituality. पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं वो ये कि वो कैसे जो है वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे वो चले. स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी डेट इन्वॉल्व्स डीप फीलिंग ऑफ अ रिलीजियस नेचर. नेचर मतलब वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड होता है. द स्टूडेंट स्पेंड्स हिज ईयर्स इमर्स्ड इन लर्निंग. और उनके जो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो काफ़ी लॉयल रहते हैं towards his teacher, वो भी जो है पढ़ाई में पूरा अपना ध्यान लगाते हैं और काफ़ी साल बिताते हैं पढ़ते हुए. Understanding and helping the guru in all his tasks. और वो गुरु के साथ ही रहते हैं और उनके सारे काम में वो उनकी हेल्प करते हैं, जो भी वो टास्क देते हैं उसमें वो हेल्प करते हैं. When the guru feels the शिष्य has learned enough to walk. और जब गुरु को फील होता है कि उनका जो स्टूडेंट है, डिसिप्लिन स्टूडेंट जो है वो इतना सीख चुका है कि वो अपना सही गलत पहचान सके और अपने पाथ पर वो चल सके, ही सेंट आउट टू द वर्ल्ड. तो वो अपने शिष्य को वर्ल्ड की तरफ वो सेंट कर देते हैं, मतलब वो अपना लाइफ वो खुद से जी सकता है. टू लीव हिज लाइफ एंड टू स्प्रेड नॉलेज. वो उसके वर्ल्ड में उसको भेज देते हैं ताकि वो जो है उसने जो सीखा है नॉलेज वो आगे भी किसी को वो ट्रांसफ़र करता रहे. और ये जीके की जो मेन टेक्स्ट बुक है उसमें ये क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कर दिया है कि यहाँ पर 10 सेंटेंस है और ये इसे भरना है. तो ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप लोग इसे प्लीज़ नोट डाउन इन योर जीके कॉपी. वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा. ये रहा इसका क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है. स्कूल नहीं हो रही है लेकिन फिर भी सीरियसली लॉयल्टी लॉयल बन करके एक लॉयल स्टूडेंट की तरह सब चीज़ नोट डाउन करना है. एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल OEC neha_bharati. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू कैन सी माय वीडियो इमीडिएटली. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. We will meet in our next video. Till then, stay safe, stay home, good luck.